इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहां पिपरी चिंचवड़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। पिपरी चिंचवड़ विधानसभा सीट पर एनसीपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एनसीपी ने बीजेपी की अश्विनी जगताप के खिलाफ नाना काटे को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कस्बा सीट की, तो यहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। जहां एक ओर बीजेपी ने हेमंत रासने को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने रविंद्र धनखड़ को अपनी तरफ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से, जहां दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि कल बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करते हुए कस्बा सीट के दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके अलावा अश्विनी जगताप ने पिपरी चिंचवड़ से अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का जो ऐलान किया है, वो भी कस्बा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बारी पिपरी चिंचवड़ विधानसभा सीट की है, जहां से एनसीपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, जो जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो अश्विनी जगताप के खिलाफ एनसीपी ने नाना काटे को चुनावी मैदान में उतारा है। सुरुवातीला ज्या पद्धतीने आम्ही सर्व इच्छुक मेंबर जे 10-11 जण होतो, आमची तीव्र मागणी होती की जे राष्ट्रवादीचे जे इच्छुक उमेदवार आहे त्यांनाच उमेदवारी भेटावी, अशी आमची सगळ्यांची आदरणीय राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांच्याकडे आम्ही मागणी केली होती। तसेच आदरणीय लोकनेते पवारसाहेब यांच्याकडे, तसेच जयंत पाटील साहेबांकडे यांच्याकडे आम्ही सर्वांनी एकमुखाने मागणी केली होती, आणि आज त्या मागणीला आम्हाला यश आलेलं आहे। आज सकाळीच आदरणीय जयंत पाटील साहेब, आदरणीय अजितदादा पवार आणि साहेबांकडनं ट्विट झालं आणि आम्हाला कळलं की ही उमेदवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला देण्यात आलेली आहे।